भगत जी राम राम। राम राम भाई राम राम। और बेटा ठीक हो? हाँ जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ। क्या बात है, आजकल मंदिर में भी नहीं आते, क्या बात है, कहाँ रहने लगे? ये आजकल मंदिर के लिए कहाँ ही टाइम है। क्यों, ऐसी क्या बात है भाई? ये मेरी धर्म पत्नी है भगत जी, ये मेरे बिना खाना नहीं खाती है, इसे मैं एक मिनट ना दिखूँ तो पागल हो जाती है, पूरे घर में ढूंढने लग जाती है मुझे। बहुत अच्छे भाग्य हैं आपके जो इतनी अच्छी बीवी मिली, जो इतना प्यार करती है आपको। मगर बेटा एक बात सुनो। ठीक है भगत जी, मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है बेटा, जाओ। यार एक काम करो, काफी भूख लगी है मुझे, खाने के लिए बना लो कुछ। मैं क्या बनाऊं अब? अब यार भूख तो मुझे काफी तेज लगी है। अरे यार मैंने तुमसे बोला तो था बाहर से ले आते खाना, अब देखो मैं भी थकी हुई हूँ, मैं क्या खाना बनाऊं? देख लो यार कुछ तो बना लो। कुछ क्या बनाऊं मैं? देखो कुछ भी होगा यहाँ पे। मैं तो लेकिन टाइम तो लगेगा बनाने में, अब बताऊं मैं भी थकी हुई हूँ। जल्दी बन जाए। जल्दी कहाँ बन जाएगा, सब चीजों में टाइम ही लगता है। देख लो कुछ तो बना लो। चलो इधर मैं थोड़ा रेस्ट कर ले रहा हूँ, कुछ भी बना लो प्लीज। चलो ठीक है मैं देखती हूँ। चलो ठीक है मैं रेस्ट कर लेता हूँ। ये लो खाना। भाई हमारे अंदर तो जान रही नहीं है। लो खाना, उठो खा लो, खाना खा लो। अरे क्या हो गया है, खाना खा लो। अरे भाई मर गया है क्या कहीं? अरे इसको क्या हो गया? अरे यार, अरे इसकी तो धड़कनें भी रुक गई है। ओ भाई इतनी तेज तो भूख लग रही है, मैं खाना खाऊं इसको देखूं पहले। इसे तो मैं खाना ही खा लेती हूँ, तेज भूख भी लग रही है, फिर सब आ जाएंगे इसको रोने पीटने, फिर इतने अजल मजल होगा, फिर पता नहीं खाना कब का कब बने। खाना खा के आराम से जब सबको फ़ोन करूँगी, जब बताऊँगी इसके घर वालों को भी, खाने खा के इसके घर फ़ोन करूँगी। भाई मुझे लग रही है भूख। भाई वाह क्या बात है, खुश कर दिया तुमने आज। भगत जी ने मुझे यही बात बताई थी कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सिर्फ कुदरत का नाम लो, परमात्मा की भक्ति करो और वही तुम्हें मोक्ष के रास्ते पे ले जाएगी। सही कहा था भगत जी ने एकदम, तुम्हारे लिए तो शब्द भी नहीं है मेरे पास, इंसानियत के नाम पर धब्बा हो तुम। वीडियो देखकर आप ये जान गए होंगे पत्नी कितना प्यार करती है। इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है सिवा कुदरत के।